नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन दीपक आपके सामने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टॉपिक डेटा मॉडलिंग एंड मॉडल्स लेके एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। ये जो टॉपिक मैं आपके सामने लाया हूँ, ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो उसका एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आपके सामने ना हो तो डिस्कशन मुश्किल हो जाते हैं, प्लानिंग को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। इसी कारण से ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंस रखता है, जिससे कि चीज़ें आगे गलत ना हो, ख़राब ना हो, एरर फ्री रहें, एरर प्रोन ना हो। आफ्टर हैविंग दिस लेक्चर यू विल फाइंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंट ऑन दिस टॉपिक, डेटा मॉडलिंग एंड मॉडल्स फॉर श्योर। डेटा मॉडलिंग इज ट्रूली इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स टू हैव अ परफेक्ट डेटाबेस प्लानिंग। ये जो टॉपिक है ये आपको उस मैच्योरिटी लेवल पर ले जाते हैं जहाँ पर आप समझ पाते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन लेवल पर जब हम प्लानिंग करते हैं तो कितना ज़रूरी है किस लेवल पर काम करना। यहाँ पर जो टॉपिक मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ वो थोड़ा डेटा मॉडल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा सा एक पिक्चर आपके सामने रखूँगा। व्हाट इज़ डेटा मॉडल, व्हाट इज़ डेटा मॉडलिंग, डिफरेंट डेटा मॉडल्स और एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स, कंपोनेंट्स ऑफ डेटा मॉडल एंड टाइप्स ऑफ डेटा मॉडल्स, इनके बारे में मैं आपके सामने बात को रखूँगा। आप अपने व्यूज़ भी शेयर कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, एन ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश टू अंडरटेक वन और सेवरल ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट्स। एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब इस्टैब्लिश की जाती है तो डेफिनेटली एक से ज़्यादा या एक ऑपरेशन या प्रोजेक्ट्स को लेकर वो सामने आती है, कुछ काम करती है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन इस्टैब्लिश होती है। टिपिकली इट इज़ एन इन्वायरमेंट हैंडल्ड एट सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। कोई भी एक कैसे कहें कि फॉर एग्जाम्पल जैसे बैंक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, स्टोर्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो कोई भी काम करना है, कोई प्रोजेक्ट्स उनके पास होता है, कुछ लोग उनसे जुड़ते हैं, तब उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उसमें होता है, तभी एक ऑर्गेनाइजेशन बनता भी है, तभी इस्टेब्लिश भी होता है। और हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ ना कुछ कार्य करने के लिए होते हैं। टिपिकली ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू कलेक्ट, फॉर एग्जाम्पल हम बैंक की बात कर रहे हैं तो नीड्स टू कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट डेटा फॉर इट्स ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड मटेरियल रिसोर्सेज एंड फंक्शंस। इस तरह के कुछ फंक्शंस हर ऑर्गेनाइजेशंस में होते ही है, ये करने पड़ते हैं, तो इनका डेटा भी कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा। अब इसको बात को हम आगे बढ़ाते हैं। द डेटा बेस इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन यूजफुल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेटा स्टोर किया जाता है, तो डेटा सिर्फ उतना ही स्टोर किया जाता है जितना कि यूजफुल है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ज़्यादा ज़्यादा कम से कम डेटा में हमें मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, यही हमारा मोटिव होता है। लेकिन इसको प्लान करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किसी न किसी मॉडलिंग की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हम डिस्कशन कर सकें, लोगों से बात कर सकें, यूज़र की रिक्वायरमेंट लें और उससे फिर हम वेरीफाई कर सकें जिससे कि चीज़ें बेहतर चल रही हैं। उसके लिए हमें किसी न किसी मॉडलिंग की ज़रूरत पड़ती है। दैट्स वाई डेटा मॉडल इज इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज डेटा मॉडल? अ मॉडल इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड देयर एसोसिएशंस। अ मॉडल क्या है? वो हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के, रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ के ऑब्जेक्ट्स और उनके साथ इवेंट्स जो होते हैं और उनका एसोसिएशन, इसी के बारे में रिप्रेजेंटेशन को हम डेटा मॉडल या मॉडल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है नीरज, जो कि एक ऑब्जेक्ट है किसका, एक स्टूडेंट मॉडल का, और नीरज जो होमवर्क करेगा वो उसका इवेंट है। दैट इज एन एग्जाम्पल। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल हैं, ए बी सी कॉलेज इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ कॉलेज मॉडल, एंड ए बी सी कॉलेज हैज़ क्लासेस टू टीच, और उस कॉलेज में कुछ क्लासेज हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे, वो एक इवेंट है। हॉस्पिटल रजिस्टर्स पेशेंट्स, एक्स वाई जेड हॉस्पिटल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ हॉस्पिटल मॉडल, एंड एक्स वाई जेड हॉस्पिटल रजिस्टर्स पेशेंट्स, अब जो पेशेंट रजिस्टर होंगे और उनको ट्रीटमेंट मिलेगा डॉक्टर के माध्यम से, वो एक इवेंट है उसका। ऐसी एक मारुति का भी हमने एग्जाम्पल लिया है कि कार का मॉडल का ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑल्टो के टेन, और ऑल्टो के टेन को ड्राइवर ड्राइव करेगा, ये उसका इवेंट है। तो इसको समझने के लिए, बात करने के लिए हमें एक मॉडल की जरूरत पड़ती है। दैट इज अ कंसेप्ट ऑफ मॉडल एंड ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट इज मॉडलिंग? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा मॉडल। अब डेटा मॉडल को बनाने की प्रक्रिया को हम मॉडलिंग कहते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ डेटा मॉडल फॉर एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम बाय अप्लाइंग फॉर्मल डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स। अब कुछ फॉर्मल डेटा मॉडलिंग टेक्निक्स बनी हुई हैं, उन्हीं के माध्यम से हम अपनी बात को रिप्रेजेंट करना पसंद करते हैं, जिससे कि अगला बंदा भी समझ सके उसको, उसने भी वही पढ़ा हो। ये स्टैंडर्ड्स हैं जो मेंटेन करने पड़ते हैं, वरना कम्युनिकेशन बड़ा पुअर हो जाता है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं बनी हुई हैं, उन्हीं के माध्यम से हम मॉडलिंग
करते हैं. मीन्स एक्ट ऑफ क्रिएटिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्लान इज मॉडलिंग. बेसिकली मॉडलिंग का मतलब क्या है, कोई भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैं बनाता हूँ जिससे कि अगला आदमी उसको समझ सके, दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम किसी प्रोग्राम का बात करें तो फ्लो चार्ट बनाते हैं, दैट इज अगेन अ कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग. कंपोनेंट्स ऑफ मॉडल, डेटा मॉडल. अब डेटा मॉडल बनाने से पहले या प्लान करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि उसके कुछ बेसिक कंपोनेंट हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, वो हमें मालूम होने चाहिए. जैसे डेटा मॉडल कंसिस्ट ऑफ एंटिटीज रिलेटेड टू ईच अदर ऑन अ डायग्राम. जैसे तीन होते हैं, एक एंटिटी है, एक एट्रीब्यूट्स हैं, एक रिलेशनशिप है. एंटिटी अ रियल वर्ल्ड थिंग और एन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर रियल वर्ल्ड थिंग्स. एंटिटी का मतलब क्या है कि किसी चीज़ को या किसी डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका नाम, डेटाबेस का कोई नाम होगा, टेबल का कोई नाम होगा, वो कहलाएगी एंटिटी. तो रियल वर्ल्ड थिंग्स है, रियल वर्ल्ड से मैच करती है, जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी बंदे को या किसी क्लब को या कॉलेज को नाम से आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज एन एंटिटी. एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट इज जस्ट लाइक ए प्रॉपर्टी और अ करेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एंटिटी. अब जो एंटिटी हमने डिफाइन करी है उसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, उसके करेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो हमें वहाँ पर बताने पड़ते हैं. इस तरीके से उसको हम यहाँ पर एट्रीब्यूट्स कहते हैं. अब एक से ज़्यादा अगर एंटिटीज़ हैं तो उनमें आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप भी होगी, कोई एसोसिएशंस भी होंगे. तो वो दो तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है उसको बोलते हैं रिलेशनशिप. हेयर एंटिटीज़ आर डिपेंड ऑन ईच अदर इन टर्म्स ऑफ व्हाई एंटिटीज़ डिपेंड ऑन ईच अदर, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप. एंड व्हाट दैट रिलेशनशिप इज, दैट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी. कि भैया आपकी रिलेशनशिप हुआ है, किस तरह का है, ये पता होना चाहिए. और उनके बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, उसकी कार्डिनैलिटी क्या है, उसको हम रिलेशन. तो तीन तरह के कंपोनेंट हमारे डेटा मॉडल को बनाने में काम आते हैं. एग्जाम्पल, कस्टमर इज एन एंटिटी, प्रोडक्ट इज एन एंटिटी. अब उसमें हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं. फॉर कस्टमर वी नीड टू नो कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, जो ये है उसका एज, उसका डेट ऑफ बर्थ. अगर हम डेटा उसका रखते हैं, करेक्टरिस्टिक बताते हैं उस कस्टमर की, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स. ऐसे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वी नीड टू नो द प्रोडक्ट नेम एंड इट्स प्राइस आर एट्रीब्यूट्स. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स. डिफरेंट डेटा मॉडल्स, जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो वो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन तीन एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स हैं. हमारा एक्सटर्नल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है, लॉजिकल है, फिजिकल है. ये तीन तरह के हमारे डेटा मॉडल्स तैयार होते हैं जो तीन अलग अलग लेवल्स पर बनाए जाते हैं. एक एक्सटर्नल है, इसको हम कॉन्सेप्चुअल भी कहते हैं, जैसे यूज़र भी देख के समझ सकता है, यूज़र कैसे उससे इंटरेक्ट करेगा उसको एक्सटर्नल बोलते हैं. उसको हम लॉजिकली कैसे प्रिपेयर करते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल. और फाइनली जब उसको इंप्लीमेंट कर देते हैं उसको हम फिजिकल कहते हैं. आगे देखते हैं इसको कैसे होता है. दिस लेवल डिस्क्राइब्स व्हाट द सिस्टम कंटेन्स. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक क्विज प्लान करना है, क्विज सॉफ्टवेयर में प्लान करना है, तो डेटा कैसे स्टोर होगा और हर साल चलेगा. तो हमने एक छोटा छोटा बारीक सा एक छोटा सा बनाया है. इसमें देखिए, हमने कहा कि भाई कुछ टीम्स होंगी जो क्विज प्ले करेंगी और उनका टीम पर उसमें स्कोर होगा. लेकिन हर साल खेलना है तो सेशन वाइज वो टीम्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी. तो हमने एक छोटा सा मॉडल बनाया है यहाँ पर, जहाँ पर लिखा कि सेशंस टीम्स एंड टीम स्कोर्स. तो टीम्स के स्कोर्स होंगे इसलिए वो एरो बना हुआ है, और सेशंस दोनों में बना हुआ है. इसका मतलब क्या है कि दोनों जो टीम्स के स्कोर्स होंगे वो सेशन वाइज स्टोर होंगे, उसके बिना नहीं होंगे, वरना हम उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. दैट इज ओवरव्यू ऑफ दैट क्विज मॉडल, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल लेवल. अब इसी को और डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं. लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इट डिस्क्राइब्स हाउ द सिस्टम विल इम्प्लीमेंटेड रिगार्डलेस ऑफ द DBMS. नाउ व्हाट इज रिगार्डलेस ऑफ, अब जो हम आगे इसको लॉजिकली इसको डिज़ाइन करेंगे तो हम बताएंगे कि जो एंटिटीज़ हमने प्लान की थी, जो कौन कौन सी एंटिटीज़ प्लान की थी हमने, एक या था सेशंस, एक या था टीम्स और एक था टीम स्कोर. अब उसके अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी उसको भी हम अगर यहाँ पर प्लान कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. लेकिन ये DBMS से इंडिपेंडेंट होता है. यहाँ पर हमने अभी प्लान नहीं करा कि हम किस सिस्टम में उसको बनाएंगे, हमने सिर्फ प्लान किया है लॉजिकल लेवल कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ उस एंटिटीज़ की होंगी, ठीक है ना. तो उसमें क्या क्या रिलेशनशिप हो सकती है वो हम यहाँ बताते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन. तो हमने क्या लिया है, सेशंस में एक सेशन लिया है जिसमें हम लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल 2018-19, जस्ट लाइक सेशंस. टीम्स में है तो स्टूडेंट जो टीम कंटेस्टेंट उसका नाम क्या होगा, किस कॉलेज से है, किस सिटी से है, और उसका स्कोर क्या है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे. एरो जो है डिपेंडेंसी आपको शो कर रहा है कि वो किस सेशन का टीम्स है, किस सेशन का स्कोर है और टीम्स का स्कोर क्या है, ये वहाँ पर हमने लॉजिकल एक डायग्राम बना लिया. दैट इज कॉल्ड लॉजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन, इसको हम मिडल भी कहते हैं.
फिजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन, यही सेम जो हमने लॉजिकल में प्लान किया था, अब इसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है किसी स्पेसिफिक डेटाबेस में। ये जो इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है, ये MySQL का इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ पर हम क्या करते हैं वो उसमें एक तो हमने नॉर्मलाइजेशन करने के बाद हमने ये प्लान किया होगा कि भाई कौन सा प्राइमरी की बनेगा, किससे कौन रिलेट करेगा, प्राइमरी फॉरन रिलेशनशिप्स होंगी, उनके डेटा टाइप्स क्या होंगे, डेटा टाइप का साइज़ क्या होगा। अगर मैंने वो चीज़ें भी मैंशन करके इम्प्लीमेंट कर दी हैं, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल लेवल एब्स्ट्रैक्शन। तो दीज आर कॉल्ड थ्री लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। जो मॉडल्स, अब टाइप्स ऑफ मॉडल की बात करते हैं, डेटा मॉडल किस तरह के बनाए जाते हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, तो बहुत सारी टेक्निक है मगर वाइडली जो यूज़ होती है मैं उनके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। कौन कौन से और हो सकते हैं, जैसे एक नेटवर्क मॉडल है, एक हायरार्कियल मॉडल है, लेकिन अगर RDBMS की भी बात की जाए तो हम बेसिकली दो तरह के मॉडल्स पर हम काम करते हैं। एक आपका ER मॉडल है और ऐसे ही एक और लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं UML, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन अप्रोच के लिए वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मैंने दो की बात करी है सिर्फ। तो ER मॉडल, इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल, हैविंग एन एडवांटेज ऑफ बीइंग नॉर्मलाइज्ड रिप्रेजेंट्स। पहली बात तो यह है कि जो ER मॉडल की खासियत है कि ये नॉर्मलाइज्ड डेटाबेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम आता है, जिसका मतलब है कि मिनिमम स्टोरेज में मैक्सिमम आउटपुट हम ले सकते हैं और रिडंडेंसी कम से कम होगा। रिप्रेजेंट्स एंटिटीज एज रेक्टेंगल्स एंड लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स विद इन दैट रेक्टेंगल, इसका मतलब हमने जो एंटिटीज लेनी है और उसके एट्रीब्यूट्स लेने हैं, ये ER डायग्राम में हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज जो है वो, इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज जनरल पर्पस विजुअल मॉडलिंग लैंग्वेज टू विजुअलाइज स्पेसिफाई कंस्ट्रक्ट एंड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। ये हम UML से आइडेंटिफाई करते हैं। दीज आर सम मॉडल जो हमारा मार्केट में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा मॉडल, के बारे में जो जानकारी थी। धन्यवाद।